हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद दीपक पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक और जबरदस्त स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम है फ्लुएंट। ये एक कमाल का स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग अपने फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मुझे चाय पीने का मन करता, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का मन करता, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं फ्लुएंट में। तो चलिए देखते हैं कि फ्लुएंट में सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, पूरे डिटेल में समझते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साइड में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिए ताकि हम लोग का वीडियोज आपको लगातार मिलते रहे। चलिए देखते हैं फ्लुएंट में सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक और स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम है फ्लुएंट। स्पेशल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ठीक है ना, बहुत ही कमाल का स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब होता है मन करता है, मन करता है, ये होता है फ्लुएंट का हिंदी। क्लियर है? तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग को आएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा फिल, सब्जेक्ट प्लस फिल या फिल्स, फिल्स लाइक, सब्जेक्ट प्लस फिल या फिल्स लाइक, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब फॉर यानी वर्ब का चौथा फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर है यानी फॉर्मूला है किसका है, फ्लुएंट का। अब देखिए कि कहाँ कहाँ हम लोग फिल का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, या प्लूरल सब्जेक्ट अगर आएगा जैसे चिल्ड्रेन, तब हम लोग फिल का यूज़ करेंगे। क्लियर है? और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा जैसे कि ही, सी, इट, वन नेम, ऐसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम लोग फिल्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फिल्स। ठीक है, तो फिल कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर फिल्स लाइक लगेगा, कहाँ पर फिल लाइक लगेगा, बिल्कुल हम लोग देख लें। तो क्या देखें कि अगर सब्जेक्ट आ, राम एंड श्याम, आई, यू, वी, दे या प्लूरल आता है तब हम लोग फिल लाइक का यूज़ करेंगे। अगर ही, सी, इट या कोई नाम आता तो हम लोग फिल्स लाइक का यूज़ करेंगे। क्लियर है? जैसे कि इसमें हिंदी सेंटेंस कैसे होगा, मुझे मुझे अंग्रेजी बोलने का मन करता है, तो मन करता मतलब क्या, फीलिंग्स है। क्लियर है? तो मुझे अंग्रेजी बोलने का मन करता है, उसे अचार खाने का मन करता है, मेरी माँ को खाना पकाने का मन करता है, हम लोगों को पत्र लिखने का मन करता है, आप लोगों को वीडियोस देखने का मन करता है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे फ्लुएंट में हिंदी सेंटेंस। तो आज से आप लोग इंग्लिश सेंटेंस भी बोलना शुरू कर दें, ठीक है ना। यानी आज से आप लोग जो हिंदी में सोचते हैं कि मुझे चाय पीने का मन करता है उसका इंग्लिश बोलने सकेंगे। क्लियर है? तो क्या है, मुझे अंग्रेजी बोलने का मन करता है, तो मुझे क्या हो जाएगा, आई, तो आई के साथ फील या फील्स होगा, फील होगा, तो आई फील लाइक, आई फील लाइक, बोलना का क्या होता है, स्पीक, स्पीक का वर्फोर हो जाएगा, स्पीकिंग, बस आई एन जी लगा देना। वर्फोर कैसे बनाते हैं, वर्वन प्लस आई एन जी लगा देंगे तो वर्फोर बन जाएगा, बहुत ही आसान है, बस आई एन जी लगा देंगे। ठीक है, तो आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने का मन करता है, मुझे पत्र लिखने का मन करता है, आई फील लाइक राइटिंग अ लेटर, बच्चों को चॉकलेट खाने का मन करता है, द चिल्ड्रेन फील लाइक ईटिंग चॉकलेट्स, मुझे जमशेदपुर जाने का मन करता है, आई फील लाइक गोइंग टू जमशेदपुर, मेरी माँ को खाना पकाने का मन करता है, माई मदर फील्स लाइक कुकिंग फूड, मेरा पापा को चॉकलेट खरीदने का मन करता है, माई फादर्स फील्स लाइक बाइंग चॉकलेट्स। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर है? चलिए कुछ और अच्छे अच्छे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फील लाइक का मतलब क्या होता है, मन करता है, मन करता है। क्लियर है? जैसे राजू को एक कार खरीदने का मन करता है, तो राजू फील्स लाइक बाइंग अ कार, हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ने का मन करता है, वी फील लाइक रीडिंग इंग्लिश, दादाजी को चाय पीने का मन करता है, ग्रैंडफादर फील्स लाइक
ट्रैकिंग टी। तो इस तरह से इसका यूज़ डेली लाइफ में हम लोग बहुत करते हैं। चलिए कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि उसे चित्र बनाने का मन करता तो क्या हो जाएगा, ही फील्स लाइक ड्राइंग अ पिक्चर। क्लियर है? मेरा पापा को बाजार जाने का मन करता है, माय फादर फील्स लाइक going to market। क्लियर है? आप लोगों को हमारा वीडियो देखने का मन करता तो क्या हो जाएगा, you feel like watching our videos। क्लियर है? राखी को अंग्रेजी बोलने का मन करता तो राखी फील्स लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर है? तो हम लोग एग्जाम्पल देख लें। अगर हम लोग नेगेटिव बनाना होगा, क्वेश्चन बनाना होगा, अगर क्वेश्चन नेगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते। तो हम लोग देख ले पॉजिटिव एग्जाम्पल। पहला क्या, हम लोग ही फील्स लाइक ड्राइंग अ पिक्चर, उसे चित्र बनाने का मन करता है। माई फादर फील्स लाइक गोइंग टू मार्केट, मेरे पापा को बाजार जाने का मन करता है। थर्ड क्या है, यू फील लाइक वॉचिंग आवर वीडियोज, आप लोगों को हमारा वीडियोज देखने का मन करता है। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, राखी फील्स लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, राखी को अंग्रेजी बोलने का मन करता है। बिल्कुल बोल पाएंगे? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक सेंटेंस का चार कैसे बनाएंगे, यानी नेगेटिव क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे। बहुत ही आसान, आप लोगों ने टेंस पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, वैसे ही सेम है। क्लियर है? तो फील्स का जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे ना तो डजंट हो जाएगा, और फील का जब नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट हो जाएगा। दोनों में एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या हम लोग का सेंटेंस, ही फील्स लाइक ड्राइंग अ पिक्चर, जब हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा ही डजंट फील लाइक ड्राइंग अ पिक्चर। क्लियर है? जब हम लोग सवाल बनाएंगे जो डज होगा वो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या उसे चित्र बनाने का मन करता है, डज ही फील लाइक ड्राइंग अ पिक्चर। क्लियर है? जब हम लोग नेगेटिव सवाल बनाएंगे तो डजेंट हो जाएगा, doesn't he feel like drawing a picture। क्लियर है? तो एक का चार हम लोग देख लें। फील लाइक में पॉजिटिव क्या बन गया, ही फील्स लाइक ड्राइंग ए पिक्चर, नेगेटिव बन गया ही डजेंट फील लाइक ड्राइंग ए पिक्चर, सवाल बन गया डज ही फील लाइक ड्राइंग पिक्चर, डजेंट ही फील लाइक ड्राइंग अ पिक्चर। ये हो गया हम लोग का नेगेटिव क्वेश्चन। क्लियर है? अगर मान लीजिए फील आएगा तो उसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर फील आएगा तो हम लोग डोंट लगाएंगे, यानी डोंट फील लाइक, क्या लगाएंगे, डोंट फील लाइक, देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही कमाल का स्पेशल स्ट्रक्चर है। यू फील लाइक वॉचिंग मूवीज, आपको मूवी देखने का मन करता है, वॉचिंग मूवीज। क्लियर है? यू फील लाइक वॉचिंग मूवीज, इसका जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा डोंट, तो यू डोंट फील लाइक वॉचिंग मूवीज, आपको फिल्म देखने का नहीं मन करता या मूवी देखने का नहीं मन करता है। जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो क्या आपको मूवी देखने का मन करता है, डू यू फील लाइक वॉचिंग मूवीज। जब हम लोग नेगेटिव सवाल बनाएंगे, यानी क्वेश्चन नेगेटिव बनाएंगे, हो जाएगा डोंट यू फील लाइक
Don't you feel like watching movies? क्या आपको मूवी देखने का नहीं मन करता है? Watching movies, बिल्कुल क्लियर है. तो हम लोग देख लिए कि चार आराम से बोल सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. You feel like watching movies, you don't feel like watching movies, do you feel like watching movies, don't you feel like watching movies. बिल्कुल क्लियर. तो आज हम लोग क्या पढ़े? Feel like मतलब मन करता है. मुझे चाय पीने का मन करता है. I feel like taking tea, I don't feel like taking tea, do I feel like taking tea, don't I feel like taking tea. दादाजी को बाजार जाने का मन करता है. Grandfather feels like going to market, grandfather doesn't feel like going to market. Does grandfather feel like going to market? Doesn't grandfather feel like going to market? तो इस तरह से हम लोग बहुत ही अच्छे-अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं feel like में, और हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. देखिए, the more you practice, the more you perfect. मैं आप लोगों को बार-बार बोलता हूं कि प्लीज प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे. एक बात बताइए, जब हम लोग छोटे थे बचपन में, जब हम लोग खाना खाते थे तो हम लोग को बहुत गिरता था, जमीन में गिरता था, शर्ट में गिरता था, हर जगह गिरता था. अभी हम लोग बड़े हो गए, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और अचानक से बिजली चला गया? तो अचानक से बिजली चला गया तो जो खाना होता ना हमारे मुंह में ही जाता है, यहाँ वहाँ नहीं होता. क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं. मतलब क्या हो गया? प्रैक्टिस हो रहा. तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट. बस प्रैक्टिस करना है. इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है, बस आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए. और हम लोग तो आपके साथ ही है, बस कुछ नहीं करना आपको, बस घर बैठे प्रैक्टिस करना है. और जो भी प्रॉब्लम्स होगा बस हम लोग को कमेंट करो. प्लीज लाइक आवर वीडियोज एंड इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साइड में एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लोग का वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे और ऐसे ही हम लोग को बस प्यार देते रहे. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज. थैंक यू वेरी मच.